हरिओम स्टूडेंट, स्वागत है आपका फ्री स्टडी के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों मैं कृपाल लोधी। दोस्तों आज हम आपको लेकर के आए हैं गणित का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, टाइम एंड वर्क, कार्य और समय। दोस्तों आप किसी भी प्रकार के कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी यदि कर रहे हैं और यदि उसमें मैथ्स आना है तो निश्चित रूप से टाइम और वर्क से आपको दो या तीन प्रश्न आ ही जाते हैं। स्टूडेंट्स बड़े ही स्मार्ट तरीके से हम आपको टाइम और वर्क के कॉन्सेप्ट को सिखाएंगे। इसके पहले दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों हम इसके लगभग 20 से 25 वीडियोस लाएंगे जिसमें लगभग संपूर्ण जो टाइम एंड वर्क है इसको हम कवर करने का प्रयास करेंगे। इसको हम एक स्मार्ट मेथड से हल करना सीखेंगे। आज हमने इसमें उसी प्रकार के चार से पांच टाइप के क्वेश्चंस को लिया है, जो भी अलग अलग जितने भी प्रकार के संभव हो सकते थे सभी प्रकार के क्वेश्चंस को इसमें शामिल किया है। तो बगैर देर किए हुए आई स्टूडेंट्स प्रारंभ करते हैं आज का टॉपिक, टाइम और वर्क, कार्य और समय। ठीक है स्टूडेंट्स, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं ए मजदूर किसी दीवार को 10 घंटे में अकेला बना सकता है जबकि बी मजदूर उसी दीवार को अकेला 40 घंटे में बना सकता है। यदि उस दीवार को दोनों मिलकर बनाते हैं तो कितने समय में दीवार पूरी बन जाएगी। स्टूडेंट्स दीवार बनने संबंधी हो सकता है यहाँ कार्य हो सकता है, ठीक है, कुआ की खुदाई वहां पर हो सकती है, ठीक है, किसी भी प्रकार का कार्य, टेबल कुर्सी का बनवाना, किसी भी प्रकार का आपको बस बोध हो जाए कि ये कार्य हो रहा है। और यहाँ पर जहां हमने मजदूर लिखे हैं ए मजदूर और बी मजदूर, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स व्यक्तियों के पर्टिकुलर नाम भी आ सकते हैं, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होता है। और ठीक है स्टूडेंट्स, इसी प्रकार से जो पाइप और सिस्टर्न वाले क्वेश्चन होते हैं, नल और टंकी का कॉन्सेप्ट स्टूडेंट्स बिल्कुल यही है कि ए जो नल है ये किसी तालाब को या किसी टंकी को 10 घंटे में पूरा भर सकता है, बी उसी तालाब या टंकी को अकेला 40 घंटे में भर सकता है। यदि दोनों नल एक साथ खोल दिए जाए तो तालाब या जो हौज जिसको भी आप भर रहे हो वो पूरी कितने टाइम में भर जाएगी। स्टूडेंट्स बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट है, यदि आप टाइम और वर्क के कॉन्सेप्ट को सीख लेते हो तो निश्चित रूप से आपसे जो पाइप और सिस्टर्न, नल और टंकी वाले क्वेश्चन आते हैं ये सेम कॉन्सेप्ट उन पर लागू होता है। बगैर हल किए टाइम और वर्क के कॉन्सेप्ट का यूज करके आप उन प्रश्नों को भी आसानी से हल कर पा रहे होंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो इसको हम लॉन्ग मेथड का यूज ना करते हुए जैसा कॉम्पिटेटिव एग्जाम में हमें करना होता है कि शॉर्ट मेथड से कैसे जल्दी से जल्दी आंसर आ जाए, उस मेथड का यूज करते हुए हम प्रश्नों को हल करेंगे। और उस मेथड का स्टूडेंट्स जो नाम होता है वो है LCM मेथड, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। इट मीन्स हम लघुत्तम समापवर्त मेथड से इस प्रकार के प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। ठीक है स्टूडेंट, सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि जैसे यहां पर लिखा है 10 घंटे, यहां पर लिखा है 40 घंटे, ऐसा तो नहीं कि यहां घंटे है यहां दिन है, यहां मिनट है यहां घंटे है। यदि स्टूडेंट्स ऐसी कोई कंडीशन बनती है तो पूरी मैथमेटिक्स में ऐसा होता नहीं है। सबसे पहले जो हमें यूनिट दी होती है उनको सेम मतलब एक सा कर लेना होता है। तो यहां तो एक सा ही है, मतलब हमें कोई भी चेंज नहीं करना है। अब स्टूडेंट्स इनको करने की मेथड क्या है उसको आप समझ लें। कह रहे हैं ए किसी दीवार को 10 घंटे में बना लेता है, तो हमने वैसा यहां पर लिखा है कि ए किसी दीवार को 10 घंटे में बना लेता है, तो ए के सामने हमने डैश लगा के, तीर लगा के, सिंगल हेडेड एरो लगा के यहां लिख दिया 10 आवर, मतलब 10 घंटे। और फिर बी को कह रहे थे कि बी अकेला 40 घंटे में बना सकता है, तो बी के सामने हमने लिख दिया 40 आवर, मतलब 40 घंटे। अब स्टूडेंट समय क्या करना होता है कि जो भी डाटा यहाँ, जो भी आंकड़े यहां पर हमें लिखे होते हैं उनका हमें लेना है LCM, मतलब लघुत्तम समापवर्त। अब स्टूडेंट्स हम आपको लघुत्तम समापवर्त निकालने की विदाउट पेन पेपर की ट्रिक बता रहे हैं, बहुत ही स्मार्ट ट्रिक है। इस मेथड से जल्दी लघुत्तम समापवर्त को फाइंड कर पा रहे होंगे बिना पेन कॉपी के। क्या करना होता है, जिन संख्याओं का भी हमें लघुत्तम समापवर्त निकालना होता है स्टूडेंट्स उनमें हम बड़ी संख्या को देखते हैं। तो यहां हम देख रहे हैं बड़ी संख्या कितनी है, 40। अब यदि स्टूडेंट्स जो छोटी संख्या दूसरी और लिखी होती है, क्या इस 10 के दुनिया में, इसके 10 की टेबल में या 10 के पहाड़े में क्या 40 आ रहे हैं, तो बिल्कुल आ रहे हैं, 10 चौको 40। यदि स्टूडेंट्स बड़ी संख्या जो हमने ली है, यदि ये छोटी संख्या के दुनिया में वो बड़ी संख्या आ रही होती है तो इनका लघुत्तम समापवर्त वही बड़ी संख्या होती है। मतलब 40 ऐसी छोटी से छोटी संख्या होगी जिसमें 10 का भी पूरा पूरा भाग लग जाएगा और 40 का भी पूरा पूरा भाग लग जाएगा। तो ये इस प्रकार बिना पेन पेपर का यूज करे हुए आप लघुत्तम समापवर्त आसानी से निकाल सकते हैं। तो इसका लघुत्तम समापवर्त स्टूडेंट्स कितना बना, 40। अब मान के चलो हम दीवार बना रहे हैं तो या कोई भी कार्य कर रहे हैं, आप उसकी यूनिट लिख लो मीटर। अब स्टूडेंट्स जो हमें क्या करना होता है, यहां कार्य को इतना मान लेना होता है स्टूडेंट्स मन से
ऐसी कोई संख्या मान लेना होती है जो 10 से भी कट रही हो और 40 से भी कट रही हो, तो ऐसी संख्या स्टूडेंट्स हम मन से भी मान सकते हैं, लेकिन सबसे सही जो मेथड होती है, सबसे सही जो तरीका होता है वो होता है इनका हमें एलसीएम ले लेना होता है। लघुत्तम समापवर्त में क्या होता है कि इसका और इसका दोनों डाटा का भाग पूरा पूरा चला जाता है। तो यहां आपको 40 लिख लेना है स्टूडेंट्स। अब हमें क्या करना है, इनकी एक एक घंटे की इफिशियंसी मतलब होता है कार्य क्षमता। अब एक ही एक घंटे की कार्य क्षमता हमें निकालना है कि ए एक घंटे में कितना कार्य कर सकता था, कितने मीटर दीवार बना सकता था या जो भी कार्य हो रहा है, और फिर हमें निकालना है कि बी एक घंटे में कितना कार्य कर सकता है। तो एक एक घंटे की इफिशियंसी को हम कैसे निकालते हैं उसको आप समझ लो। क्या करते हैं स्टूडेंट्स, मान के चलो कुल कार्य कितना होना है, जो भी लघुत्तम समापवर्त आ जाता है स्टूडेंट्स, ये होता है कुल कार्य। टोटल हमें 40 मीटर लंबी दीवार बनाना है। ए यदि उस पूरी दीवार को अकेला बना रहा है स्टूडेंट्स, तो वो 10 घंटे उसमें लेता है, और कितने मीटर दीवार बनाता है 10 घंटे में बनाता है वो 40 मीटर। तो यहां हम स्टूडेंट्स इनके एक घंटे का वर्क निकालते हैं, यही इफिशियंसी कहलाती है। यदि यहां मिनट लिखा होता तो एक मिनट की निकालते, दिन लिखा होता तो एक दिन की निकालते। तो स्टूडेंट्स एक घंटे में वो कितनी दीवार बना रहा होगा, यदि 40 मीटर को वो 10 घंटे लगाता है, तो हम 40 में 10 से भाग कर देते हैं, 40/10, तो ये कितना निकल के आ जाता है 4 मीटर, मतलब एक घंटे में वो 4 मीटर दीवार बना लेता है। ये एक ही इफिशियंसी या फिर एक ही कार्य क्षमता है। आई होप आप इतना समझ गए होगे। या फिर दूसरे एग्जाम्पल से हम समझे, मान के चलो ए अकेले को 40 टॉफी खाना है, 40 चॉकलेट ए अकेले को खाना है, और उन 40 चॉकलेट को ए खाने में 10 घंटे का समय लगाता है, तो आप खुद बताओ एक घंटे में कितना खाता होगा, 4 टॉफी खाता होगा। वही तो हमने किया है, 40 में ही 10 से भाग किया तो 4 आया यहां निकल के। ठीक है स्टूडेंट्स, आप समझ गए होंगे शायद। अब इसी प्रकार से हमें यहां करना है, बी जो है, बी अकेला, तो स्टूडेंट्स हम ये कह रहे थे कि यदि बी को अकेले को 40 मीटर दीवार बनाना है, और यदि वो 40 घंटे का टाइम लेता है, तो वो एक घंटे में कितनी बना रहा होगा, 1 मीटर। या तो आप ऐसे समझ लो, या फिर हम दूसरा एग्जांपल बताएं, मान के चलो बी अकेले को 40 टॉफी खाना है कुल, और वो 40 घंटे तक खाता है, तो एक घंटे में एक खाता होगा। मतलब यहां भी हमें इस 40 में इस 40 से भाग करना है। ध्यान से सुनना आप स्टूडेंट्स, यदि इतने में भी आपको समझ में नहीं आया हो, तो हमें करना क्या होता है, हम स्टूडेंट जो लघुत्तम निकल के आता है, इस लघुत्तम समापवर्त में इससे भाग देते हैं तो यहां लिखते हैं, इसी लघुत्तम समापवर्त में इससे भाग देते हैं तो यहां लिखते हैं। 40 में 10 से भाग दिया तो 4 आया, इस 40 में 40 से भाग दिया तो 1 आया। ये कहलाते हैं स्टूडेंट्स एलसीएम मेथड। अब यदि स्टूडेंट्स यहां पर लिखा होता है मिलकर, तो मिलकर का मतलब होता है दोनों का जोड़। कहने का मतलब यहां पर ये हुआ, कहने का मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स कि ए जो है, ए एक घंटा में 4 मीटर दीवार बनाता है, और बी एक घंटे में 1 मीटर दीवार बनाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये एक घंटे की इफिशियंसी हमें निकालना होती है, दोनों की अलग अलग कार्य क्षमता एक घंटे की हमें निकालना होती है। इसी बेस से हम आगे के सभी प्रकार के जैसे ही प्रश्न आ रहे होते हैं उनको हम कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स क्या है, यदि वहां लिखा होता है मिलकर, तो मिलकर का मतलब ये होता है कि ए प्लस बी, तो ए प्लस बी की जो इफिशियंसी होगी, मतलब दोनों ने मिलकर एक घंटे में कितना काम किया, तो 4 और 1। यदि स्टूडेंट्स यहां अकेला करता तो हम घटाते हैं, लेकिन दोनों मिलकर कर रहे थे, यहां लिखा है मिलकर, तो 4 और 1 5 को हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। इसका मतलब स्टूडेंट्स ये हुआ कि ए और बी दोनों मिलकर एक घंटे में 5 मीटर दीवार बनाते हैं, या हम कहें ए और बी दोनों मिलकर एक घंटे में 5 टॉफी खाते हैं, और अब हम कहें कि ए और बी जो हैं उनको मिलकर पूरी 40 टॉफी खाना है या 40 मीटर दीवार बनाना है। तो यदि दोनों मिलकर एक घंटे में 5 मीटर दीवार बनाते हैं, तो 40 मीटर दीवार बनाने में उनको 40/5, 5 से जो भी निकल के आता है स्टूडेंट्स, इसमें भी हमें लघुत्तम समापवर्त में भाग कर देना होता है इसका। तो 40/5 जब हम करेंगे तो यहां 8 बार कट जाएंगे स्टूडेंट्स, तो यहां आंसर हमारा कितना निकल के आएगा, 8 घंटे, क्योंकि ये जो प्रश्न था ये कायम है उनने हमसे घंटे में पूछा था स्टूडेंट, तो ये 8 घंटे इसका आंसर हुआ। या हम टॉफी वाले एग्जांपल से कहें, तो दोनों मिलकर एक घंटे में 5 टॉफियां खाते हैं, दोनों को 40 टॉफी खाना है, तो 8 घंटे लग जाएंगे। ध्यान से सुनना, लघुत्तम समापवर्त में दोनों की इफिशियंसी का भाग हमने दिया है, तो आंसर फाइंड हो गया स्टूडेंट्स। इसी प्रकार के प्रश्न ऐसे ही हल करते हैं,
एक प्रश्न और हमने इसी टाइप का लिया है, इसे देख लेते हैं कैसे करना है। ए अकेला किसी कार्य को 36 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि बी अकेला उसी कार्य को 24 दिन में पूरा कर सकता है। दोनों यदि मिलकर कार्य करते हैं तो कार्य पूरा होने में कितना समय लगेगा? ये हमने यहां लिखा नहीं है, लेकिन प्रश्न ऐसा ही था, तो इसी एलसीएम मेथड से हम हल करते हैं। इनको लिखने का तरीका ऐसे ही होता है, ए किसी कार्य को 36 दिन में पूरा कर सकता है, तो 36 डेज ऐसे हम लिख लेना, 36 डेज। फिर कह रहे हैं बी अकेला यदि उसी कार्य को करता है तो ये 24 दिन लग जाते हैं उसी कार्य को पूरा करने में। स्टूडेंट अब हमें क्या करना है, दोनों के मिलकर के करना है, तो इसी प्रकार से करेंगे, दोनों की इफिशियंसी हम फाइंड करेंगे। सबसे पहले हमें यह पता करना है कि इन दोनों का लघुत्तम समापवर्त क्या होगा, यही एलसीएम मेथड कहलाती है स्टूडेंट्स। तो लघुत्तम समापवर्त निकालने की, वैसे हमने आपको बेसिक जो मौखिक मेथड बताई थी वो उसी का यूज हम करते हैं स्टूडेंट्स। बड़ी संख्या लेते हैं 36, क्या 24 की दुनिया में 36 आता है? नहीं आता। यदि 24 की दुनिया में 36 आ रहा होता 24 की टेबल में तो हम 36 लघुत्तम मानते, लेकिन यहां नहीं आ रहा तो हम स्टूडेंट्स इस 36 का डबल करते हैं, डबल टेबल ऐसे करके देखते जाते हैं। 36 का जब हम डबल करते हैं तो 72 आता है। फिर हम चेक करते हैं क्या 24 की दुनिया में 72 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, 24 × 3 = 72। इसका मतलब यहां जो टोटल वर्क हमें मिला ये कितना मिला, 72 मीटर, उसको हमें यहां लिख लेना है। अब फिर यहां हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, यहां हम फिर से दोनों की इफिशियंसी निकालेंगे एक एक दिन की। यदि ए कुल 72 मीटर खाई खोदना है या 72 मीटर दीवार बनाना है या 72 टॉफी खाना है ए को, और ये 36 दिन तक खा रहा है स्टूडेंट्स, तो एक दिन में ये 72/36, ठीक है स्टूडेंट्स, 72/36 मतलब एक दिन में ये 2 टॉफी खा रहा होगा या 2 मीटर दीवार बना रहा होगा। इसी प्रकार से यदि बी अकेला बना रहा है और बी को भी इतना ही बनाना है, 72 मीटर दीवार बनाना है, और ये 24 दिन तक बना रहा है, तो एक दिन में कितनी बना लेता होगा, 72/24। जब हम 72/24 करेंगे यहां स्टूडेंट, तो 72 × 3 = 24 × 3 = 72, यहां कितना निकल गया आएगा, 3 मीटर। अब यदि स्टूडेंट्स हम कहें कि दोनों को मिला के करना है तो ए प्लस बी की इफिशियंसी कितनी बनेगी, मतलब ए और बी दोनों मिलकर एक दिन में कितनी दीवार बनाते होंगे, या दोनों मिलकर एक दिन में कितनी चॉकलेट खाते होंगे, 2 और 3 = 5, कितनी खाते होंगे, 5 खाते होंगे, दोनों को कुल कितनी खाना है, 72 खाना है स्टूडेंट। तो ये कई कई बार ऐसे डाटा यहां पर आते हैं कि ये कैंसिल आउट पूरे पूरे नहीं होते हैं, पर हमें पता होना चाहिए कि जो ये लघुत्तम है, जैसे हमने यहां बताया था, इस लघुत्तम समापवर्त में हमें भाग करना है कितने का, दोनों की इफिशियंसी एक दिन की, ठीक है, तो वो 5 का हमें भाग कर देना है 72 में स्टूडेंट। जब हम रफ में 5 से 72 में भाग कर रहे होंगे तो 5 ही कम 5 बची 2 उतारे 2 5 चौको 20, कितने बचे 2, तो यहां से लिखना चालू करते हैं, 14 सही 2/5, कितना आ रहा होगा इसका आंसर, 14 सही 2/5, और यहां दिन आ रहे होंगे स्टूडेंट्स। इस काम और समय के जो प्रश्न होते हैं उनके आंसर जनरली इसी फॉर्मेट में लिखे जाते हैं, घड़ी की दिशा में चल जाया करें, भागफल से चालू करो, 14 सही 2/5, ये मिश्र भिन्न में बदलने का तरीका होता है किसी भी विषम भिन्न को। आई होप आप समझ गए होंगे स्टूडेंट्स, ये 2 क्वेश्चन हो गए। अब हमने कुछ और अन्य टाइप के क्वेश्चन भी लिए हैं जो 2 डाटा में संभव हो सकते हैं, हालांकि इसके हम बहुत सारे वीडियो लाएंगे दोस्तों। यदि ये मेथड अच्छी लगी हो तो प्लीज आप इसे वीडियो को लाइक कर दें, चाहे तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, कमेंट भी कर दें। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं स्टूडेंट्स, कह रहे हैं तीसरा क्वेश्चन है, ए अकेला कोई काम 1/3 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि बी अकेला उसी काम को 1/8 दिन में पूरा कर सकता है, दोनों मिलकर उसी काम को कितने दिन में पूरा कर लेंगे। स्टूडेंट्स एक प्रकार का हमने जो क्वेश्चन लिया है इसमें हमने फ्रैक्शन फॉर्मेट में टाइम पीरियड यदि आपको दिया हुआ है, भिन्न के रूप में यदि आपको समय दिया हुआ है, तो इस प्रकार के प्रश्नों को हम कैसे हल कर सकते हैं उनको देख लेते हैं स्टूडेंट्स। तो उसी प्रकार से आपको लिखना है, एलसीएम मेथड से ही हम इसको हल कर रहे हैं। कह रहे हैं ए जो है वो किसी काम को 1/3 दिन में पूरा कर सकता है, तो डेज को हम दिन को डी लिख देते हैं स्टूडेंट्स। और कह रहे हैं बी अकेला जो है वो उसी काम को 1/8 दिन में पूरा करता है। कह रहे हैं दोनों यदि मिलके करते हैं तो कितने दिन में पूरा कर लेंगे। स्टूडेंट्स यहां हमें एलसीएम मेथड से ही इसको हल करना है। देखो कैसे हल करना है हमें स्टूडेंट्स, यदि आपको भिन्न के फॉर्मेट में कभी क्वेश्चन मिलते हैं तो आप हमेशा ध्यान रखो इनका जो हमें लघुत्तम लेना होता है वो इनके अंशों का लिया जाता है। जैसे यहां अंश में 1 लिखा है और यहां भी अंश में 1 लिखा है, तो 1 और 1 का लघुत्तम समापवर्त आप निकाल के देखना, तो 1 मीटर ही आएगा।
क्यों स्टूडेंट्स ऐसा होता है हम आपको बता दे रहे हैं, क्योंकि यदि हम इस एक में यदि हम एक बटे तीन से भाग करेंगे तो एक बटे एक ज्यों का त्यों रहेगा, भाग का गुणा होगा तो तीन कहां पहुंच जाएंगे, ऊपर, तो तीन ऊपर पहुंच गए तो तीन एकम तीन बटे एक मतलब तीन, यहां पर हमें पूर्णांक मिल जाता है। तो ये पूर्णांक ही हमें चाहिए है, इसलिए हम यहां हमेशा आप ध्यान रखना स्टूडेंट्स, यदि फ्रैक्शन फॉर्मेट में आपको टाइम पीरियड दिया हुआ है तो उनका जो लघुत्तम है वो आप अंशों का एलसीएम ले लिया करें, ठीक है, यही विधि है, नोट कर लो आप, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो यहां एक और एक का एलसीएम कितना बना स्टूडेंट्स, एक। अब हम फिर वही इफिशियंसी मेथड से करते हैं, इनका एक एक दिन का काम निकालते हैं। तो यदि मान के चलो ए जो है ये एक बटे तीन दिन तक काम करता है और एक मीटर कुल काम करना है इसे, तो एक दिन में ये कितना करता होगा स्टूडेंट्स, तो एक में इसी लघुत्तम समापवर्त में हम इनका भाग करते हैं, अभी हमने पीछे के प्रश्नों में आपको बताया था। तो इसका जब हम भाग करेंगे तो ये कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, यहां पर आ जाएगा कितना, तीन, मतलब ये एक घंटे एक दिन में मान के चलो मीटर तीन मीटर कार्य करता है, तीन मीटर दीवार बनाता है कोई भी कार्य, ठीक है, या तीन टॉफी खाता है। इसी प्रकार हम एक से एक बटे आठ में भी भाग करेंगे तो यहां हम लिखेंगे एक बटे आठ, हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो एक बटे एक आठ ऊपर पहुंचेगी तो आठ एकम आठ, ये कितना कर रहा होगा, एक दिन में आठ मीटर दीवार ये मान के चलो बना रहा होगा, ठीक है। ये काम नहीं होता है फिक्स स्टूडेंट की एक मीटर ही ना, तो ये एक दिन में इतना बना रहा है इतना, ये तो प्रश्न बनाने के लिए ऐसा हमें एलसीएम मेथड मानना पड़ता है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब ये क्या कह रहे थे, ये कह रहे थे कि दोनों मिलकर, तो मिलकर मतलब दोनों की जो एफिशिएंसी है स्टूडेंट्स ए प्लस बी की मान के चलो वो कितनी है दोनों की मिलकर, तो आठ और तीन कितनी है स्टूडेंट्स, ये है मान के चलो कितनी 11 मीटर। तो यहां आपको स्टूडेंट्स क्या करना है, जब दोनों मिलकर करेंगे काम तो इस जो एलसीएम निकल के आता है एक, इसमें हमें 11 का क्या कर देना है, भाग कर देना है, और घंटों में है घंटों में, मिनट में है मिनट में, जो भी है उसी में हमें, ये डेज में था दिनों में, तो एक बटे ग्यारह दिन इसका आंसर हो जाएगा, दोनों मिलकर करेंगे तो एक बटे ग्यारह दिन में पूरा कर लेंगे स्टूडेंट्स। अब यहां पर कई कई बार आता है कि केवल दिन में काम होता है, तो आप यदि इसको घंटों में बदलना है तो 12 का गुणा, यदि दिन रात काम चल रहा है तो 24 का गुणा, ठीक है, इस टाइप से, और हम इसको छोटी यूनिट में बदल सकते हैं, आगे हम आपको बताएंगे, आई होप आप समझ गए होंगे। इसी प्रकार का स्टूडेंट्स हमने एक क्वेश्चन और लिया है, प्रश्न क्रमांक 4 है, इसको देखते हैं कैसे हल करना है। इसको कह रहे हैं ए किसी कार्य को 8 दिन में, जबकि बी उसी कार्य को अकेला 12 बटे 7 दिन में पूरा कर सकता है, तो दोनों मिलकर उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो ये भी स्टूडेंट्स उसी टाइप का क्वेश्चन है फ्रैक्शन फॉर्मेट का, तो इसको भी हम एलसीएम मेथड से करेंगे। लिख लेते हैं ए किसी कार्य को कितने दिन में पूरा करता है, 8 दिन में, तो 8 डेज ऐसे लिख लेते हैं। कह रहे हैं बी उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करता है, 12 बटे 7 दिन में, तो उसको हम ऐसा लिख लेते हैं। अब स्टूडेंट जब हम इसको एलसीएम मेथड से हल कर रहे होंगे तो जैसा कि हमने आपको बताया है, क्या बताया था, यदि आपको टाइम पीरियड काय में दिया है स्टूडेंट्स, टाइम पीरियड यदि आपको फ्रैक्शन फॉर्मेट मतलब भिन्न में दिया है तो आपको लघुत्तम काय का लेना होता है स्टूडेंट्स, लघुत्तम लेना होता है उनके अंशों का, मतलब 8 और 12 का एलसीएम हम निकालेंगे। तो 8 और 12 का जब हम एलसीएम निकाल रहे होंगे तो लघुत्तम समापवर्त मौखिक निकालने की स्टूडेंट ट्रिक क्या होती है, हमने आपको बताया था, बड़ी संख्या देखते हैं, यहां पर बड़ी संख्या कितनी लिखी हुई है 12, अब हम ये देखते हैं क्या छोटी संख्या जो 8 है, क्या 8 की दुनिया में 12 आता है, 8 दूनी 16 नहीं आता, तो हम इस 12 का डबल करके देखते हैं, 12 का डबल होगा कितना, 12 दूनी 2 का गुणा करते तीन का, ऐसा करते जाते, अभी हम 12 में 2 का गुणा करेंगे तो 12 दूनी 24। अब ये बताओ क्या 8 की दुनिया में 24 आता है, जी हाँ बिल्कुल आता है, तो यदि 8 की दुनिया में 24 आ रहा है स्टूडेंट, तो इसका मतलब इसका जो एलसीएम होगा वो कितना होगा, 24, मतलब 24 मीटर काम कुल होना है, मान के चलो 24 मीटर दीवार लंबी बनना है। अब हम वही करते हैं, एक एक दिन की इनकी इफिशियंसी फाइंड कर लेते हैं, एक एक दिन का वर्क इनका हम ज्ञात कर लेते हैं कि एक दिन में ये कितना काम कर पाते हैं। तो क्या है स्टूडेंट्स कि ए अकेला जो है ये 8 दिन तक कार्य करता है और उसे 24 मीटर दीवार बनाना है, तो एक दिन में कितनी बनाता होगा ये, तो 24 बटे 8 मतलब ये एक दिन में बनाता होगा कितनी, मान के चलो 3 मीटर, एम लिख दिया मीटर के लिए, ठीक है स्टूडेंट्स। या हम कहें कि ए अकेले को 24 टॉफी कुल खाना है और ये 8 दिन तक खाता है, तो एक दिन में 3 चॉकलेट ये टॉफी खा सकता है। उसी प्रकार से स्टूडेंट्स बी जो है वो 12 बटे 7 दिन तक कार्य करता है और उसे 24 मीटर काम करना है, तो यहां समझ में तो नहीं आता लेकिन हमें पता है जो एलसीएम है इस 24 में हमें 12 बटे 7 का भाग करना है, तो 7 कहां पहुंचेंगे, ऊपर, ठीक है, 12 कम 12 12 दूनी 24 7 दूनी कितना आ गया यहां पर स्टूडेंट्स, यहां पर आ गया 14 मीटर। अब ये
यहाँ पर क्या लिखा है मिलकर, यदि स्टूडेंट्स मिलकर लिखा होता है तो मिलकर का मतलब होता है गणित में टाइम एंड वर्क में एडिशन करना जोड़ना। तो ये एक दिन में, यहां हम चाहे तो लिख भी सकते हैं दोनों एक दिन में, यहां हम लिख भी सकते हैं जो दोनों है ए और बी, दोनों एक दिन में और दोनों यदि मिलकर करते हैं मतलब ए और बी की वैल्यू मिल गई इफिशियंसी एक दिन की, तो इनको हम जोड़ेंगे 3 मीटर ये करता है एक दिन में और 14 मीटर ये करता है, तो एक दिन में काम कितना हो जाता है 17 मीटर काम हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जब हम पूरा कार्य करेंगे दोनों मिलकर, जब पूरा कार्य करेंगे यदि दोनों मिलकर पूरा कार्य करेंगे तो वैसे ही आपको क्या बताया था हमने कि जो ये एलसीएम इनका निकल के आया है इस एलसीएम में इन दोनों की एक दिन की कार्य क्षमता जो 17 निकल के आई इसका हम भाग कर देते स्टूडेंट्स, तो यही हमारा क्या होता है आंसर। हालांकि इसको और विषम भिन्न में बदला जा सकता है, हम 24 में भाग लगाएंगे कितने का 17 का, 17 एकम 17, 14 में से 7 का, यहां 7 बची स्टूडेंट, यहां से लिखना चालू करते 1 सही 7/17 या करके 1 सही 7/17 और यहाँ क्या था दिन थे, सभी में दिन है, दिन घंटे होते तो बदलते, यहाँ हम बदलना नहीं यूनिट एक सी है, तो यही स्टूडेंट्स 1 सही 7/17 24/17 दिन हमारा क्या होगा आंसर होगा। आई होप आप समझ रहे होंगे, ये हमने आपको 4 प्रश्न बताए। आगे देखते हैं, इसमें कुछ प्रश्नों को हमने और लिया है स्टूडेंट्स, उन प्रश्नों को और समझते हैं। अब हम आते हैं 5वां प्रश्न पे, इसको आपको कैसे हल करना है। ये हालांकि अलग टाइप का क्वेश्चन है, आप इसे इसमें मिक्स भी मान सकते हैं, अलग भी मान सकते हैं, पर ये प्रश्न अलग टाइप का ही है। देखते हैं प्रश्न कैसा है, ये भी एग्जाम में स्टूडेंट्स आजकल अब पूछे जाने लगे हैं। इसमें कह रहे हैं ए किसी काम का 2/3 भाग 20 दिन में पूरा कर लेता है, अकेला अकेला वाले प्रश्न ही है, जबकि बी उसी काम का 4/5 भाग को अकेला 72 दिन में पूरा कर लेता है। ठीक है, तो यदि दोनों मिलकर उस काम को करते हैं तो कितने दिन में पूरा हो जाएगा, ये उसी प्रकार का है, लेकिन यहां स्टूडेंट्स जो वर्क है, जो कार्य है उसे हिस्सों में बांट दिया गया है। ठीक है स्टूडेंट, तो इसको कैसा करते हैं आइए देखते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स इस प्रश्न को करने में हमें क्या करना है कि जो ये कार्य है इसको हमें पूर्णांक बना देना है, जैसे 2/3 भाग लिखा है तो इसको हमें पूर्णांक बनाना है, और 4/5 भाग लगा इसको पूर्णांक बनाना है। ध्यान से सुनना, जब स्टूडेंट्स हम इनका दोनों का जब पूर्णांक बना लेंगे तो इनके पूर्णांक बनाने के बाद हम इसको हल करेंगे। ठीक है, उसके पहले हम एलसीएम मेथड का उपयोग नहीं कर सकते क्योंकि हमें जो कार्य मिलना चाहिए वो पूर्णांक में ही मिलना चाहिए, मतलब बटे में कार्य नहीं होता है कभी, लघुत्तम बटे में हमें नहीं मिलना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो कैसा करते हैं, जैसे मान के चलो स्टूडेंट्स यहां पर लिखा है 2/3 भाग को 20 दिन में करते हैं, 2/3 का मान है स्टूडेंट्स 20 दिन। ठीक है, तो यहां आप समझना, यहां स्टूडेंट्स वो ये कह रहे हैं कि 2/3 भाग जो है ये 20 दिन में है, मतलब इसका ये होता है स्टूडेंट्स कि कुल कार्य हमेशा, कुल राशि जो कुल वैल्यू होती है ये हमेशा नीचे लिखी जाती है और ऊपर जो लिखी होती है अनुपात के नियम अनुसार उसका मान ऊपर का मान ऊपर होता है और कुल मान कहां होता है नीचे। इसका मतलब स्टूडेंट्स वो ये कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि इसकी 2 यूनिट का मान, ए की 2 यूनिट का मान कितना है 20 दिन है। यदि स्टूडेंट 2 यूनिट का मान 20 दिन है तो हमें क्या फाइंड करना है, इसकी कुल कार्य मतलब 3 यूनिट का मान कितना होगा, तो 3 यूनिट का मान होगा x। और स्टूडेंट्स ये जो हम आपको बता रहे हैं यूनिटरी मेथड कहलाती है, एक एक नियम का आप हमारा वीडियो देख सकते हो स्टूडेंट्स, ये टाइम वर्क में टोटल कार्य निकालने की अच्छी ट्रिक है। 2 दिन मतलब 2 यूनिट का मान है 20 दिन, तो कुल कार्य कितना है, तो 3 यूनिट का मान x, और यहां यूनिटरी मेथड में स्टूडेंट्स करते हैं हम तिरेक गुणा, तो यहां जब हम तिरेक गुणा करेंगे तो यहां आ जाएगा 2x बराबर, यहां आ जाएगा 2x बराबर 20 दिया 60। ठीक है स्टूडेंट, फिर यहां से जब हम x की वैल्यू फाइंड कर रहे होंगे तो x बराबर आ जाएगा 60/2, 2 से 60 कैंसल आउट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 30 दिन। मतलब वो ये निकल के आया कि कुल कार्य जो है वो ए कुल कार्य को कितने दिन में करता है, मान के चलो 30 दिन में पूरा कार्य कर लेता है, ये निकल के आया। इसी प्रकार से हम अभी कुल डेज निकालेंगे किसका, ये 4/5 भाग से, तो क्या कह रहे थे स्टूडेंट, इसमें कह रहे थे कि 4/5 भाग का मान कितना है 72 दिन। ठीक है 72 दिन, तो इसको भी हम ऐसे ही करेंगे, कैसा कुल कार्य कितना है 5, 4 यूनिट का मान है 72 दिन, वो इतना काम करता है कि 4 यूनिट का मान कितना है स्टूडेंट्स 72 दिन, तो 5 यूनिट का मान कितना होगा एक्स दिन। और यहां भी हमें मल्टीप्लाईकेशन मतलब क्रॉस मल्टीप्लाईकेशन त्रिक गुणा करना है, तो जब हम त्रिक गुणा कर रहे होंगे तो अज्ञात राशि का पहले 4 का x में, तो यहां आ जाएगा कितना 4x बराबर 72 × 5, 72 × 5। और स्टूडेंट जब हम यहां से x की वैल्यू फाइंड कर रहे होंगे
तो यहां x बराबर आ रहा होगा 72 गुणा 5 बटे जो x के साथ लेके ये बटे में आ जाते हैं, 4 कहां आ रहे होंगे नीचे, ये सब आपसे बनना चाहिए। स्टूडेंट 4 से जब हम 72 को कैंसिल आउट करेंगे तो 4 से 18 चौको 72 18 बार कट जाएंगे और 18 पंचे कितना हो जाएगा 90 डेज, मतलब ये पूरा जो कार्य है अकेला वो कितने दिन में करता है 90 दिन में। अब स्टूडेंट समय ये जो डाटा मिल गए 30 दिन ए उस कार्य को 30 दिन में पूरा करता है ये हमें मिल गया, और जो बी है वो 4/5 को यदि 72 दिन में कर रहा था तो पूरे कार्य को करता है बी कितने में 90 दिनों में। ये प्रश्न हमारा पिछले ही प्रश्नों जैसा अब बदल गया स्टूडेंट्स, अब इसको हम 30 और 90 वाले को अब इसको हम एलसीएम मेथड से हल करेंगे। अब बिल्कुल वैसा ही है कैसा, ए किसी कार्य को अकेला 30 दिन में कर सकता है जबकि बी अकेला उसी कार्य को 90 दिन में कर सकता है स्टूडेंट्स, तो इन दोनों का क्या लेंगे हम वही एलसीएम 30 और 90 का विदाउट पेन पेपर। बड़ी संख्या देखो कितनी लिखी 90, क्या 30 की दुनिया में 90 आते हैं, बिल्कुल आते हैं, इसका मतलब लघुत्तम कितना हो गया 90 हो गया। स्टूडेंट्स आप समझ जाओ इसका मतलब क्या हुआ कि टोटल उनको 90 मीटर कार्य करना है या दोनों को मिलकर 90 चॉकलेट खाना है। अब एक एक दिन की इनकी कार्य क्षमता हम निकाल लेते हैं, एक दिन की एफिशियंसी ए जो है ये इसे अकेले को 90 चॉकलेट खाना है और ए जो है ये 30 दिन तक खाता है तो एक दिन में कितनी खाता होगा 90/30 मतलब यहां 3 आएगा। बी जो अकेला है इसे बी अकेले 90 चॉकलेट को 90 दिन में खाता है तो 90/90 एक दिन में खाता होगा 1। तो स्टूडेंट्स ये दोनों मिलकर यदि हम कहें कि दोनों मिलकर एक दिन में कितनी चॉकलेट खाते होंगे तो 3 और 1 4, 4 टॉफी खाते होंगे दोनों मिलकर के एक दिन में। अब यदि हम कहें कि दोनों को मिलाकर के खाना है, यदि मिलकर के खाना है दोनों मिलकर एक दिन में 4 चॉकलेट खाते हैं और दोनों को मिलकर 90 चॉकलेट खाना है तो कुल कितना समय लगेगा 90/4। वही आपको एलसीएम में इनकी टोटल एफिशिएंसी का भाग करना है स्टूडेंट्स। तो ये 2 से जब हम काट रहे होंगे तो 2 से ये कटेंगे 45 बार और 2 से ये कटेंगे 2 बार तो 45/2 स्टूडेंट्स, तो 45/2 को हम क्या लिख सकते हैं ये आएगा अपना 22 सही 1/2 दिन, ये इसका आंसर होगा या 45/2 ही इसका आंसर होगा स्टूडेंट्स, ये ऑप्शन से तय होगा कि प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो आई होप आप इस मेथड को भी समझ गए होंगे। अब स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन और यहां हमने लिखा है, छठवां प्रश्न है, इसके ऑप्शन हम आपको दे रहे हैं ये हम आपको बता नहीं रहे हैं। ये स्टूडेंट्स बिल्कुल ठीक उसी प्रकार का क्वेश्चन है, आपको ये हल करके हमें बताना है कौन सा प्रश्न, छठवां प्रश्न, इसके हम आपको ऑप्शन दे देते हैं। पहला ऑप्शन है 45/4 दिन, ठीक है स्टूडेंट्स। इसका बी ऑप्शन है 26/3 दिन, इसका सी ऑप्शन है 48/3 दिन और इसका डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज, मतलब इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट्स ये छठवां प्रश्न इसी प्रकार से इसी मेथड का है बिल्कुल, तो इसी मेथड से आप करके प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में बताएं किसका आंसर क्या होगा। प्रश्न क्रमांक 6 का पढ़ के सुनाया दे रहे हैं, ए किसी कार्य का 4/5 भाग 20 दिन में पूरा कर सकता है अकेला, यहां लिखा नहीं पर अकेला ही समझना, बी उसी कार्य को अकेले 3/5 भाग 45 दिन में पूरा कर सकता है यदि दोनों मिलकर, अच्छा दोनों मिलकर उसी कार्य का 3/5 भाग कितने दिन में पूरा करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। अब यहां ऑप्शन लिख गए हैं, हालांकि ये प्रश्न कुछ अलग टाइप का था, यहां लिखा है 3/5 भाग को कितने में पूरा करेंगे, तो हम इसको समझा देते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, या फिर आप ऐसा समझ लो, चलो ठीक है हम इसको कर ही देते हैं, टाइम यहां पर स्टूडेंट्स ज्यादा लगेगा पर हम आपको ये प्रश्न बता देते हैं कि इसको कैसे करना। सबसे पहले तो आपको ऐसे ही करना है कि पूरे टाइम को कायम बदलना है, पूरे टाइम को आपको बदल लेना है स्टूडेंट्स कायम में पूर्णांक में, ठीक है देखते हैं कैसे बदलते हैं। सबसे पहले तो आपको ये करना है कि वही 4/5 भाग का मान कितना है 20 दिन है, मतलब 4 भाग का मान यदि 20 दिन है, यूनिटरी मेथड लगाओ टोटल कार्य निकालो कि टोटल कितने दिन में करता है, 5 की वैल्यू निकालना है हमें, 4 का मान कितना है स्टूडेंट्स, 4 का मान है 20 दिन, तो यहां 5 का मान कितना होगा, 5 का मान होगा कितना एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन त्रिक गुणा करो स्टूडेंट तो यहां तुम्हें एक्स बराबर कितना मिलेगा 20 × 5/4 तो 4 × 5 = 20 तो यहां कितना मिल जाएगा 25 दिन, ठीक है स्टूडेंट्स। फिर क्या कह रहे हैं, बी जो है उसी कार्य का 3/5 भाग 45 दिन में करता है, मतलब वो ये कह रहे हैं स्टूडेंट्स के 3/5 का मान कितना है, 3/5 का मान है 45 दिन, तो ऊपर का ऊपर, इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स के 3 यूनिट का मान कितना है
दिन के बराबर है, तो हमें कुल कार्य कितना है, उसने 5 यूनिट किया है, तो 5 यूनिट का मान कितना होगा यहाँ एक्स। फिर यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन त्रिक गुणा जब आप करोगे तो यहाँ एक्स बराबर हमें क्या मिल रहा होगा, 45 × 5/3, 45 × 5/3, 3 से ये 15 बार कटेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 × 75 दिन, कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स यहाँ 75 डेज। अब यहाँ आपको एलसीएम मेथड, अब यहाँ पर आप लगा सकते हो एलसीएम मेथड। कैसे लगाओगे, जैसे हमने आपको अभी बताया था। अब स्टूडेंट्स ये प्रश्न ऐसा बन गया कि ए अकेला 25 दिन में कर सकता है और बी अकेला 75 दिन में कर सकता है, तो मैं सही लिख लू, ए अकेला कितने दिन में कर सकता है, 25 दिन में पूरा कर सकता है, और बी अकेला कितने दिन में पूरा कर सकता है, 75 दिन में। इन दोनों का फिर से वही हमें एलसीएम लेना है, तो 25 और 75 का एलसीएम, बड़ी संख्या देखो कितनी लिखी है 75, क्या 25 की दुनिया में 75 आता है, बिल्कुल आता है। इसका मतलब इसका एलसीएम कितना माना, 75 मीटर, माने दोनों को कुल मान के चलो 75 मीटर दीवाल कूदना है, 75 टॉफी खाना है। ए 25 दिन तक खाता है 75 टॉफी, तो एक दिन में 75/25 मतलब 3 टॉफी खाता होगा या 3 मीटर दीवाल बनाता होगा। बी को अकेले यदि 75 मीटर दीवाल बनाना है जबकि 75 दिन ये लगता है, लगाता है, एक दिन में 1 मीटर दीवाल ये बनाता होगा। अब यदि कहें कि दोनों मिलकर, मिलकर मतलब क्या, यहां लिखा ही था मिलकर मतलब दोनों का जोड़, तो दोनों मिलकर के एक दिन में 3 और 1 4 मीटर दीवार बनाते होंगे, या दोनों मिलकर एक दिन में 4 टॉफी खाते होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, यहां तक आई होप आप समझ गए होंगे कि यहां पर हमारा दोनों को मिलकर के काम कितना आया, 4 मीटर। अब हमें यहां पर क्या करना है, वो ये कह रहे थे कि उसी कार्य का 3/5 भाग, तो कार्य कितना हुआ था कुल 75 मीटर स्टूडेंट्स, कार्य कितना हुआ था, कार्य हुआ था कितना स्टूडेंट्स 75 मीटर। अब यदि कार्य 75 मीटर हुआ था तो उसका 3/5 भाग मतलब कितने का, 3/5 भाग 75 का। अब हम यहां पर कार्य भी निकाल लेते हैं, तो कार्य कितना है स्टूडेंट्स, कार्य है 75 का, 75 का कितना 3/5 भाग यहां पर लिखा है। तो स्टूडेंट जब हम यहां 75 का कार्य निकालेंगे, 75 का 3/5 का माने होता है गुणा, मतलब हम लिख रहे होंगे 75 × 3/5, तो 5 से ये कितने बार कट गए, 15 बार, 15 तरी कितने हो गए 45, माने कुल काम कितना होना था 45 मीटर कुल कार्य होना था, और दोनों मतलब 45 चॉकलेट खाना है दोनों को मिलकर के, और एक दिन में दोनों 4 खाते हैं, तो दोनों मिलकर काम कितने दिन में पूरा करेंगे, या हम ये कहें स्टूडेंट्स कि दोनों को मिलकर 45 मीटर काम करना और एक दिन में 4 मीटर काम कर देते हैं, तो दोनों मिलकर 45/4 दिन, जो भी घंटे जो भी यहां पर था, क्या था दिन था, 45/4 डेज स्टूडेंट्स, ये हमारा क्या होगा, इसका आंसर होगा। आई होप आप समझ गए होंगे कि इस प्रकार के प्रश्नों को कैसे हल करते हैं स्टूडेंट्स। कई कई टाइप के क्वेश्चन हमने लिए हैं, यदि वीडियो अच्छा लगा रहा हो तो प्लीज आप इसे लाइक जरूर करते चलें। अगला प्रश्न और देखते हैं हम यहाँ स्टूडेंट्स, आप बस कुछ देर और हमारे साथ बैठे, अच्छे क्वेश्चन का कलेक्शन किया है हमने, आजकल जो प्रश्न अब आने लगे हैं। क्या कह रहा है ये अलग टाइप का प्रश्न स्टूडेंट्स, ये कैसा है, उसी का थोड़ा सा रिवर्स है, उसमें जोड़ रहे थे इसमें घटाएंगे। यदि ए अकेला किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकता है तथा ए और बी मिलकर उसी कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो बी अकेला उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा स्टूडेंट्स। इस प्रकार के प्रश्नों को भी हम एलसीएम मेथड द्वारा ही हल करते हैं, देखते हैं कैसे। तो ए अकेला किसी कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है, 10 दिन में, तो हमने यहां लिख दिया 10 डेज। और ए और बी मिलकर, तो मिलकर के लिए स्टूडेंट्स यहां हमेशा आप ए धन भी लिखें, यदि दो हैं तो दो मिलकर, तीन होते सी भी होता, अभी हम अगले वीडियो में सी तीन बरकर लाएंगे तो वहां हम फिर आपको ए बी सी, ए धन बी धन सी ऐसा लिखेंगे। तो ए और बी मिलकर कितने दिन में करते हैं स्टूडेंट्स, तो ए और बी मिलकर उसी कार्य को 6 दिन में, तो यह हमें लिखना है, लिख लेना है 6 दिन। अब हमें फिर वही एलसीएम लेना है 10 और 6 का, तो बड़ी संख्या देखो 10 है, क्या 6 की दुनिया में 10 आते हैं, नहीं आते, 10 का डबल करो 20, क्या 6 की दुनिया में 20 आते हैं, नहीं आते, 10 का डबल करो, 10 का टेबल मतलब 3 का गुणा 30, क्या 6 की दुनिया में 30 आते हैं, बिल्कुल आते हैं, इसका मतलब हमें टोटल वर्क मिल गया 30 मीटर कार्य होना है। अब फिर वही एलसीएम मेथड में जैसा हम करते थे कि ए जो है वो 10 दिन तक कार्य करता है और उसे कुल कार्य 30 मीटर करना है, तो एक दिन में कितना करता होगा, 30/10 मतलब करता होगा 3 मीटर। ए और बी मिलकर जो है वो 6 दिन तक कार्य करते हैं, 30 मीटर काम करना है, तो ए और बी ने मिलकर एक दिन में कितना कार्य किया होगा, 30/6 मतलब 5, या हम कहें कि ए और बी को कुल 30 टॉफी खाना है और दोनों मिलकर 6 दिन तक खाते हैं, तो एक दिन में इन्हें 5 खा ली होंगी। ठीक है स्टूडेंट्स,
अब यहां हमें इनकी इफिशियंसी मिल गई, ए अकेले का मान कितना मिल गया 3 मीटर। लेकिन स्टूडेंट्स इस प्रकार के प्रश्न में हमसे पूछा क्या है, बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा। यदि स्टूडेंट्स यहां बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में करेगा ये हमें यदि फाइंड करना है, तो जब तक हमें बी की कार्य क्षमता, बी की इफिशियंसी नहीं मिलेगी अकेले की, तब तक हम इस प्रश्न को हल नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हम बी का एक दिन का कार्य निकालेंगे, तो वो कैसे निकालते हैं, समीकरण से। ए का मान कितना है, मान के चलो ए का मान है कितना 3, और ए प्लस बी का मान कितना है 5, तो ऐसे ही हम समीकरण बना लेते हैं। ए बराबर कितना है 3, इसको दे दिया समीकरण 1, और ए प्लस बी का मान जो है दोनों की एक दिन की कार्य क्षमता वो कितनी है 5। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ए का मान 3 है, इस ए की जगह हम 3 लिख देंगे, यहां रख देंगे हम 3 धन बी ज्यों कहते हो बराबर कितना आ जाएगा 5। तो यहां जब हम बी का मान निकाल रहा हूं तो 5 ज्यों कहते हो 3 का पक्षांतरण होगा, ऋण के होंगे 5 ऋण 3, बी की इफिशियंसी कितनी आ गई 2। मतलब स्टूडेंट्स ये निकल के आया कि बी जो है वो अकेला एक दिन में 2 मीटर कार्य करता है। ठीक है, अब यहां क्या कह रहे थे कि बी अकेला, कह रहे हैं बी अकेला उसे कितने दिन में करेगा। ठीक है स्टूडेंट, तो बी अकेला कितने दिन में करेगा, बी को अकेले को 30 चॉकलेट खाना है और बी एक दिन में 2 चॉकलेट खाता है, तो ये करेगा कितने में 30/2, 2 से कैंसिल आउट करेंगे तो इसका आंसर कितना निकल के आ रहा होगा 15 डेज, मतलब इसका आंसर होगा 15 दिन, बी अकेला 15 दिन में इस कार्य को कर लेगा। ये दूसरे टाइप के क्वेश्चन थे स्टूडेंट्स, ये भी इंपॉर्टेंट है, ऐसे प्रश्न भी एग्जाम में आते हैं। एक प्रश्न एक टाइप का बस हमने प्रश्न और लिया है, इसको देखते हैं। इसमें आपके जो पर्सन रहेंगे वो 3 रहेंगे, इसमें बस आप 5 मिनट और हमारे साथ रहे, बस वीडियो एंड होने ही वाला है। स्टूडेंट्स कह रहे हैं यदि ए किसी कार्य को 12 दिन में अकेला कर सकता है, बी उसी कार्य को अकेला 15 दिन में कर सकता है, तथा सी अकेला उसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है, यदि तीनों मिलकर उसी कार्य को करते हैं तो कितने दिन में पूरा होगा। तो स्टूडेंट्स ये इस प्रश्न को भी हम, 3 व्यक्ति भी यदि कार्य को कर रहे होते हैं, छोड़ के आएंगे जाएंगे चले जाएंगे, कार्य क्षमता सभी प्रकार के प्रश्न हम एलसीएम मेथड से ही करेंगे, कुछ को छोड़कर ये भी एलसीएम मेथड से हो जाएगा, वैसा ही हमें कर लेना है। ए किसी कार्य को अकेला कितने दिन में करता है, तो कह रहे हैं 12 दिन में, तो 12 डेज यहां लिख देना है। बी अकेला उसी कार्य को कितने दिन में करता है, 15 दिन में, तो यहां हमें 15 डेज यहां लिख देना है। और सी अकेला उसी कार्य को 20 दिन में करता है, तो सी के सामने हमें यहां पर कितना लिख देना है, 20 दिन लिख देना। अब स्टूडेंट्स वो क्या कह रहे हैं, हाँ ठीक है ये अलग अलग करते हैं। अब फिर यहां पर लिखा है मिलकर, मिलकर मतलब तीनों की इफिशियंसी, और मिलकर का मतलब क्या होता है, जोड़ना, अकेले का मतलब क्या होता है, घटाना। अब स्टूडेंट्स हम यहां 3 डाटा का जब एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम मेथड से हमें करना है, तो आप देखो 12, 15 और 20 का लघुत्तम, तो लघुत्तम निकालने की हमने विदाउट पेन पेपर कैसी मेथड बताई, बड़ी संख्या देखो तो यहां सबसे बड़ी संख्या लिखी 20, क्या 12 की दुनिया में 20 आते हैं, नहीं आते। यदि एक की भी दुनिया में नहीं आते तो लघुत्तम 20 नहीं होगा, सबके दुनिया में 20 आना चाहिए, तो हम 20 का डबल करते हैं 40, क्या 12 की दुनिया में 40 आते हैं, नहीं आते, तो 40 भी लघुत्तम नहीं। अब हम 20 का डबल करते हैं तो 20 थी 60, क्या 12 की दुनिया में 60 आते हैं, बिल्कुल 12 5 60, क्या 15 की दुनिया में 60 आते हैं, बिल्कुल आते हैं, 15 चौक 60, 20 की में तो आएंगे, तो इन दोनों की दुनिया में यदि वो संख्या आती है तो वही संख्या लघुत्तम हो जाती है, मतलब 60 मीटर कुल कार्य करना है तीनों को मिला करके। या हम कहें कि ए जो है, मान के चलो कुल कार्य निकल आया 60 चॉकलेट खाना है, ए जो है वो 12 दिन तक खाता है, तो एक दिन में कितनी खाता होगा, 60/12 मतलब 5 चॉकलेट खाता होगा। बी जो है ये 60 चॉकलेट खाना है, बी अकेले को 15 दिन तक खाता है, तो एक दिन में कितनी खाता होगा, 4 60/15। सी अकेले को यदि 60 चॉकलेट खाना है, 20 दिन तक खाता है, तो एक दिन में 60/20 मतलब कितनी चॉकलेट खाता होगा, 3। अब यदि स्टूडेंट्स यहां में लिखा है तीनों मिलकर, तो तीनों मिलकर मतलब ए धन बी धन सी, तीनों मिलकर एक दिन में, ये एक ही दिन का निकाला है हमने लिखा नहीं, समझ जाना, तीनों मिलकर एक दिन में 5 और 4 9 और 3 12 चॉकलेट खाते हैं, या हम कहें 12 मीटर दीवाल बनाते हैं तीनों मिलकर एक दिन में, और 60 मीटर दीवाल बनना है, तो तीनों मिलकर, या हम कहें दूसरी विधि आप समझ जाओ, चॉकलेट वाली ज्यादा आपको समझ में आएगी, कुछ स्वाद आ रहा होगा, चॉकलेट वाली में कैसा है कि 60 चॉकलेट खाना है तीनों को, तीनों मिलकर एक दिन में 12 चॉकलेट खाते हैं, तो कुल यदि इनको 60 चॉकलेट खत्म करना है तो 60/12 मतलब इनको कितने दिन का टाइम लगेगा स्टूडेंट्स, 5 दिन का टाइम लगेगा, और यही 5 डेज हमारा क्या होगा, आंसर होगा स्टूडेंट्स। इसी प्रकार की वीडियोस हम आपको लाते रहते हैं, लगभग 20 से 25 वीडियो टाइम एंड वर्क के हम आपको लाएंगे, पूरा टाइम वर्क बहुत अच्छे तरीके से आपको हम समझाएंगे, बस आप इसे लाइक कर दें, और दोस्तों यदि आप हमारी हेल्प करना चाहते हैं तो प्लीज हमारे इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ स्टडी ग्रुप में शेयर जरूर करें दोस्तों, प्लीज सब्सक्राइबर बढ़वाने में हमारी मदद करें, मिलते हैं अगली वीडियो में, जय हिंद जय भारत।